अगर मुझे इस मूवी का रिव्यू ना करना होता ना, तो इसके 5 मिनट देखकर मैं इसको बंद कर देता। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लक्ष्मी मूवी के बारे में, जिसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया गया है। ये टोटल 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है, और बॉलीवुड हमेशा की तरह इस मूवी में भी एक प्रोपोगंडा आपके सामने लेकर आया है। इसके अंदर कास्ट है अक्षय कुमार, कियारा आडवाणी, शरद केलकर और बाकी अन्य कलाकार। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, नकल मारने के लिए भी अक्ल चाहिए। कुछ ऐसा ही इस मूवी के अंदर भी है। जहां बॉलीवुड की बात करूं, उसके पास खुद का दिमाग तो है नहीं, वो खुद की कहानी बनाए ऐसा यार वो कभी शायद ही कभी जिंदगी में करेंगे, बट अगर वो जहां से नकल मार रहे हैं, कम से कम उसके ऊपर तो ढंग का काम कर लेना। यकीन मानो लाख गुना बेटर है वो वाली मूवी जिसके ऊपर ये मूवी आधारित है, मतलब जो कंचना जो 2011 में आई थी, वो इससे लाख गुना बेटर है। अब बॉलीवुड वाले अपनी हरकतों से बाज आ जाए, शायद ही ऐसा कभी होगा। उन्होंने तो कसम खा रखी है कि वो मरते दम तक एक प्रोपोगंडा चलाते ही रहेंगे, और उसी कसम को ये पूरा कर रहे हैं इस मूवी के अंदर भी। आराम करो, कभी अपने कंटेंट पे भी काम कर लिया करो, कभी रिसर्च भी कर लिया करो। उन लोगों को कुछ काम दे दो जो धर्म के नाम पर लोगों में बकवास की चीजें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो लोगों को एंटरटेनमेंट देने के लिए कुछ अच्छी चीजें लिख सके। बट नहीं यार, कभी काम तो करना ही नहीं है तुमने, कॉपी पेस्ट करना, और कॉपी पेस्ट भी तुमसे नहीं होता यार। सही कहा है यार, हमारे टीचर हमको कहा करते थे, अभी गधों तुमसे तो नकल भी ना मारी जाए, क्योंकि तुम्हारे पास अक्ल नहीं। और यही हाल बॉलीवुड का है। मुझे हैरानी इस बात की कि आज भी ये लोग अपना वो घटिया प्रोपोगंडा इस मूवी के अंदर चला रहे हैं। यार शर्म करो, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो यार। इतनी तो खिल्लियां उड़ रही हैं बॉलीवुड की ऑलरेडी, मतलब ड्रग्स को लेकर, माफिया गैंग को लेकर इतने ज्यादा लोग जो हैं इसके ऊपर थूथू कर रहे हैं। और कैसे ये फेक लोगों को सेलिब्रिटी बनाकर लोगों के सामने खड़ा कर देते हैं, उनको आइडल बनाकर। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो, मतलब है या नहीं है तुम लोगों में। अब इस बकवास मूवी की मतलब कि इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। अक्षय कुमार जिन्होंने प्ले किया आसिफ का किरदार, और कियारा आडवाणी जिसने प्ले किया है शायद रश्मि नाम की एक लड़की है, उसका किरदार प्ले किया। देखो यार, इतनी महान मूवी है कि मुझे याद भी नहीं रहा, अभी देख कर ही हटाऊं, मतलब इतनी इतनी जबरदस्त छाप छोड़ी है इस मूवी ने मेरे दिमाग के ऊपर। और ये दोनों शादीशुदा हैं, रश्मि के माँ बाप जो है वो आसिफ को पसंद नहीं करते, ऑब्वियसली क्यों नहीं करेंगे ये आप लोगों को पता है। तुम्हें क्या लगता है कि बॉलीवुड की सोच कहाँ तक है? मेरी मुझसे पूछो तो बॉलीवुड की सोच उसके घुटनों तक है, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं सोच सकता। वही इसने अपना रिलीजन का फंडा इसके अंदर डाला है। मैंने अपनी लाइफ के 2.5 घंटे बर्बाद कर दिए इस मूवी को देखकर, और उसके बाद अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस मूवी का रिव्यू बनाकर। तो कहानी पर फोकस करते हैं। रश्मि की माँ इसको बुलाती है अपने घर पे कि अपने पति के साथ आ जा, और जब रश्मि और उसका पति आसिफ जब घर जा रहे होते हैं, रश्मि के माँ के घर जा रहे होते हैं, तो रश्मि की माँ के घर के नजदीक एक ऐसा घर है जहां पर एक लक्ष्मी नाम की किन्नर का कत्ल कर दिया गया था, और उसकी आत्मा अक्षय कुमार में चली जाती है। अब वो अपना बदला लेती है उन लोगों से जिन्होंने इसको मारा था। अब देखो यार, ये कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल सी चीज थी। अब इस चीज को तो कॉपी कर ही सकते थे, ऑब्वियसली उस चीज को कॉपी करना जिसकी मूवी जो है वो 2011 में बन चुकी थी, और वही देखकर तुम लोगों को मतलब एज इट इज वो करना था। तुमसे वो भी नहीं हुआ यार, मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरो यार तुम लोग। अब बाकी किरदारों की बात करो तो यार उनको तो बोलने के लिए कुछ ना कुछ दिया है, उनको एक्ट करने के लिए कुछ दिया है, लेकिन ये कियारा आडवाणी को क्या सोचकर तुमने मतलब मूवी में ले लिया? कुछ कम से कम इस बिचारी को एक दो लाइन तो दे देते। अगर आंखें छोटी और बड़ी करके ही रखनी मतलब यही काम देना था, तो कोई पुतला ही ले लेते, वो कर लेता है। बिचारी को क्यों घसीटा गया उस मूवी के अंदर? वो मतलब टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी ना उसकी। और अब इस मूवी की कॉमेडी यार, वो क्या कमाल की कॉमेडी, के मतलब कॉमेडी के साथ कैसे आपको इरिटेट किया जाता है, ये इस महान बॉलीवुड से सीखो। कोई सच कहूं, मैं छोटा भीम देख लू ना, उसमें मुझे ज्यादा हंसी आ जाए एज कम्पेयर टू इस मूवी से करूं तो। अब गानों की बात करूं तो एक ही गाना मुझे ज्यादा पसंद आया, बम बोले, जो इसके लास्ट में जो आता है। और जो कियारा आडवाणी है उसके द्वारा जो दो भाषण दिया गया, दो लाइनों का, वो कमाल का भाषण था। मतलब उसको ऐसे समझो कि आपने जो है वो अभी कत्ल करके, और वो खंजर जो है आपकी बगल में ही है, और आप लोगों को दे रहे हो, आप लोगों को भाषण दे रहे हो कि कत्ल नहीं करना चाहिए, किसी का वध नहीं करना, मतलब कि किसी को मारना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप होता है, गुनाह होता है, आपको ये नहीं करना चाहिए। मतलब कैसे लगा ये सब करते हुए, मतलब झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है, और कैसे बॉलीवुड फेक लोगों को एक सेलिब्रिटी बनाकर, एक आइडल बना के आप लोगों के सामने पेश करता है, ये आप लोगों को इस मूवी में देखने को मिल जाएगा। रही बात हमारे किन्नर समुदाय की, देखो यार, अगर आप अपने कल्चर की वैल्यू करते हो, अगर अपने कल्चर को फॉलो करते हो, तो आपको पता है कि हमारे समाज में किन्नर की जो किन्नर समुदाय है, हम उनको कितना मानते हैं, इवन हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और रही बात आशीर्वाद की, देखो यार, हम किसी ऐसे नशेड़ी गंजेड़ी लोगों से तो आशीर्वाद लेंगे नहीं जो ये बॉलीवुड में भरे पड़े। हम आशीर्वाद उन्हीं लोगों का लेना पसंद करते हैं जिनके पास कोई गुण होता है, और जो हमारा किन्नर समुदाय है उनके पास वो गुण है जहां पर हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अब अगर ओवरऑल इस मूवी के बारे में बात करूं, तो एक घटिया प्रोपोगंडा के साथ ये मूवी, एक अच्छी खासी कहानी जो 2011 में जो मूवी आई थी उसकी कैसे वाट लगाते हैं, आप इस मूवी के अंदर अच्छे से देख सकते हो। एडिशनली आप लोगों को ये भी सीखने को मिलेगा कि कॉमेडी करते
करते लोगों को इरिटेट कैसे किया जाता है। भले ही लास्ट में आप ये मूवी देखकर पछताए हो, अपने आप को गाली दें, बट देख सकते हो। अगर तुमने प्रोपेगेंडा देखना और ऐसी बकवास मूवी देखनी है तो यार मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 1 out of 10 star, और ये 1 भी सिर्फ और सिर्फ इसके लास्ट सॉन्ग की वजह से दे रहा हूँ। अगर किसी ने मूवी देख ली है बाई चांस, बाई गलती, जो भी तुम्हारा दुर्भाग्य है, मतलब सौभाग्य, जो भी तुम समझो, ये घटिया प्रोपोगंडा देख लिया हो तुमने, और मतलब यार एक अच्छी कहानी की वाट कैसे लगाते हैं, तू मुझे गुस्सा तो इतना आ रहा है ना यार, कंट्रोल करके बैठा हूँ मैं, क्या बोलूँ यार इन लोगों को मैं यार, तो तुम्हारे पास इतना फालतू रुपया तो दे दो यार मुझे, मैं कम से कम गरीबों में दे दूंगा और अपने लिए मैं कुछ ले आऊंगा कुछ, समझ रहे हो ना। छोड़ो छोड़ो तुम इन लोगों को, अगर जिन्होंने नहीं देखी है वो सोच रहे हो यार इस मूवी को देखने की, तुम्हारी अकल घास चरने की है जो इस मूवी को देखोगे, है गाना सुन लेना ऐसे यूट्यूब पे मिल जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे 2.5 घंटे तुम्हें खराब करने हैं, मारने हैं, मतलब इससे भी कुछ और चीज़ें देख लेना यार, ये क्या देखोगे यार, तुम छोड़ो इस चीज़ को। खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।